हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद दीतिमन। डीपीएस परमानेंट शिक्षक भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी हो चुका है, जहां पर बहुत सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। 19 पोस्ट जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाली हूं, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, काउंसलर, लाइब्रेरियन, बहुत सारी इस तरीके से पोस्ट हैं जहाँ सभी विषयों की वैकेंसी है। आप लोगों का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप लोगों को जरूर मिलेगा। सैलरी यहाँ पर 40,000 से लेकर 80,000 तक आप लोगों को मिलने वाली है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस स्टूडेंट के साथ में फ्रेशर भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सीटेट जो है यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। यदि आप लोगों का सीटेट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, जिनका सीटेट क्लियर नहीं है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो है मेन वेबसाइट पर जाकर चेक करने वाले हैं, नोटिफिकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बहुत आराम से जो है देखिएगा, थोड़ा सा अगर वीडियो बड़ा भी होता है तो कोई बात नहीं, ध्यान से सारी चीजें समझनी है। तो चलिए इसकी मेन वेबसाइट पर हम चलते हैं। ये इसकी मेन वेबसाइट है, दिल्ली पब्लिक स्कूल चास बोकारो। तो यहाँ पर आप लोगों को रनिंग में वैकेंसी फॉर्म 2024-25 ये आपको नजर आ ही रहा है। इसके अलावा जो है सबसे ऊपर आप देखें करियर लिखा है, ठीक है। करियर पर जो है वो आप लोग क्लिक करेंगे, ये पेज आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर एडवर्टीजमेंट ये आपको देखनी है, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है तो ये आपको देखना है। जो भी बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो ध्यान से जो है अंत तक देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाती है तो आपका जो है नुकसान होता है। कोई एग्ज़ाम नहीं होगा यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले एडवर्टीजमेंट। तो ये जो है एडवर्टीजमेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से जो है देखना है ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। यहाँ पर रिक्वायर्ड की गई है 2024-25 के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट के टीचर्स की, जिसमें सबसे जो हायर पोस्ट है हेडमिस्ट्रेस की है, उसके बाद एनटीटी, पीआरटी टीचर, टीजीटी टीचर, पीजीटी टीचर्स, इसके बाद म्यूजिक के जितने टीचर्स होते हैं, हॉस्टल वार्डन की, लैब असिस्टेंट की, यानी कुल जो है यहाँ पर 19 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। नीचे जो है वो और जो है कंप्लीट जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम एकेडमिक जो पोस्ट हैं उनकी क्वालिफिकेशन देखेंगे। सबसे हायर पोस्ट मैंने आपको बताई है हेडमिस्ट्रेस की है, तो यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस जो है मांगा ही गया है। बाकी जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए जो है वो कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का 2 साल का तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी आप सभी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। हेडमिस्ट्रेस के लिए कहा है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होना चाहिए और बीएड मांगा गया है, 5 से 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस। तो अब देखें मॉन्टेसरी या नर्सरी ट्रेंड टीचर्स के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए एनटीटी में, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, या फिर बीएड नर्सरी भी अगर है तो भी आप लोग यहां पर एलिजिबल हैं। पीआरटी में सब्जेक्ट आप देखें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगी। कंप्यूटर साइंस, क्लासिकल डांस हैं, कथक, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, फाइन आर्ट है यानी ड्राइंग, तो ये सभी सब्जेक्ट पीआरटी में दिए गए हैं। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो है होना चाहिए डीएड, बीटीसी, डीलेड होना चाहिए, और आपकी जो है सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो, पढ़ाना आप जो है अच्छे से जानते हो, ठीक है। बाकी जो है बिना एक्सपीरियंस के आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर ही सकते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और जिन स्टूडेंट के पास एक्सपीरियंस है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी, अगर 1 साल का भी टीचिंग एक्सपीरियंस है प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने का तो आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। बहुत अच्छी जो है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पोस्ट निकाली गई हैं, क्योंकि और भी हम देखते हैं अगर दिल्ली पब्लिक स्कूल में तो एक्सपीरियंस मांगा जाता है 5 या 10 साल का मांगा जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। टीजीटी में सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये सभी सब्जेक्ट हैं। प्रेफरेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट को जिनके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है सेकेंडरी क्लासेस को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, फ्रेशर जो हैं बार बार बता रही हूँ, फ्रेशर जो हैं यहाँ पर एलिजिबल हैं, अदर स्टेट के स्टूडेंट जो हैं वो सभी एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि जहाँ से वैकेंसी आई है वहीं के जो हैं स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे, आप सभी कर सकते हैं, भारत में किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं। पीजीटी में सब्जेक्ट देखें आप अपना देख सकते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, फिजिकल एजुकेशन,
3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है अगर सीनियर सेकेंडरी क्लासेस को, तो उन स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलेगी। फॉरेन लैंग्वेज हैं कहीं, उसके बाद हिंदुस्तानी म्यूजिक, वोकल, तबला वगैरह ये है, वेस्टर्न म्यूजिक में भी है। काउंसलर की जो वैकेंसी आई है, तो साइकोलॉजी में अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और अगर आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट में किया है, साथ में आपके पास डिप्लोमा है अगर करियर गाइडेंस का और काउंसलिंग का, तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। योगा ट्रेनर की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट मांगा गया है, और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। उसके अलावा जो है पार्ट टाइम टीचर की भी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, जिसमें सभी सब्जेक्ट पार्ट टाइम टीचर, यानी कोई जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, और अपने सब्जेक्ट पे उसको कमांड भी अच्छी जो है वो करनी है, तो पार्ट टाइम के लिए आप लोग जो है वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई एक सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया, सभी सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के अगर आप हैं और अपना सब्जेक्ट जो है वो अच्छा करना चाहते हैं, और कुछ ही समय के लिए जो है आप टीचिंग करना चाहते हैं, अर्न कर सकें, तो आप जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 साल का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर अगर है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं है तो भी आप चले जाएं, ठीक है, थोड़ा एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अभी जो है यहाँ पर इन्होंने अलग से क्वालिफिकेशन बताई है, बाकी फ्रेशर में अप्लाई फॉर ट्रेनी टीचर, सबसे पहले फ्रेशर जो होंगे उनको ट्रेनी टीचर्स के तौर पर रखा जाएगा, उसके बाद जो है उन्हें परमानेंट या रेगुलर किया जाएगा। बाकी जितनी पोस्ट हैं तो वहाँ पर जो है रेगुलर रहेंगे टीचर्स। तो सभी सब्जेक्ट का जो है मेंशन किया है यहाँ क्वालिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पर जो एकेडमिक पोस्ट मैंने आप लोगों को बताई है, जिसमें सेकंड नंबर पर, अभी सेकंड नंबर पर हमने किसकी बात की थी, तो हम सेकंड नंबर पर एक बार देख लेते हैं, हमने बात की थी मोंटेसरी नर्सरी ट्रेंड टीचर। तो यहाँ पर जो है डिप्लोमा या फिर डिग्री जो है आप लोगों के पास होनी चाहिए, एनटीटी कोर्स आपके पास होना चाहिए। थर्ड नंबर पर जो पोस्ट है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन में, और यहाँ पर बीएड जो है कंपलसरी है। अभी जो है थर्ड नंबर पर हमने जो है जिसकी बात की वो थी पीआरटी, तो पीआरटी के लिए इन्होंने कहा है कि बीएड कंपलसरी है, और आपके पास फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन में ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, पीआरटी के लिए। बाकी जो है सीटेट प्रेफर्ड, यानी जिनका सीटेट क्लियर है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। फोर्थ नंबर पर जो है सब्जेक्ट जितने भी हैं पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट होना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड डिवीजन होना चाहिए, और वहाँ पर भी बीएड मांगा गया है, सीटेट प्रेफरेंस। तो फोर्थ नंबर पर हमने शायद टीजीटी की पोस्ट देखी थी, जितने भी सब्जेक्ट हैं तो यहाँ पर बीएड मांगा गया है, और आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन, और जिनके पास एक्सपीरियंस है सीटेट क्लियर है तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। फिफ्थ नंबर पर है पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट या सेकंड डिवीजन और बीएड, ठीक है, यानी यहाँ पर अगर मैं बताऊँ पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सभी के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट या सेकंड डिवीजन होनी चाहिए, यानी 60% से अधिक, और 60% से अगर थोड़ा कम भी हैं आपके मार्क्स तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएड कंपलसरी है, और जिनका सीटेट क्वालिफाई है, एक्सपीरियंस है, तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। नेक्स्ट जो है एज, एज जो है यहाँ पर क्या कही गई है, तो एज जो है यहाँ पर 40 ईयर कहा गया है, अगर 40 ईयर तक है आपकी एज तो आप अप्लाई करेंगे ही, और अगर 40 ईयर के बाद जो है आपकी 41, 42 या 43 भी है तो भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पे स्केल क्या रहेगी, तो पे एज पर 7 CPC, यानी कि आपको पता है पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल में सैलरी जो है 40,000 से लेकर 80,000 तक पोस्ट वाइज अलग अलग मिलती है, तो ये तो रेगुलर पोस्ट की हो गई, और इससे जो है आप लोग जो फ्रेशर हैं तो उनको थोड़ा इससे जो है वो कम मिलेगी, यानी 35,000 जो है आप देख सकते हैं, एक अगर फ्रेशर स्टूडेंट पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहा है तो 35,000 उसको मिलेंगे ही, बाद में जो है इनकी पोस्ट रेगुलर कर दी जाएगी। इसके अलावा क्या क्या आपको जो है यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है,
तो CPF, ग्रेजुएटी एट्सेट्रा एट सेंट्रल गवर्नमेंट रेट्स, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है DPS सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। यानी सैलरी के साथ में बहुत सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएंगी। यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो कैसे होगा, तो मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को, और फिर जो है इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये सभी पोस्ट की जो है सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बता दी है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे अभी बताने वाली हूँ। नॉन एकेडमिक पोस्ट भी हैं जो कि आप देख लें, यहाँ लाइब्रेरियन के लिए है, होस्टल वार्डन के लिए है, लैब असिस्टेंट के लिए है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर पब्लिकेशन एग्जीक्यूटिव के लिए है। तो ये थोड़ी सी ऐसी पोस्ट है नॉन एकेडमिक जहाँ पर सभी में एक्सपीरियंस जो है वो मांगा गया है, ठीक है। बाकी जो है इसकी PDF मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग दोबारा से ओपन करके देख लेना। अब जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, तो मेन वेबसाइट पर मैंने आप लोगों को बताया था, करियर में जाकर एडवर्टीजमेंट आपको दिखा ही दी है, उसके बाद अप्लाई नाउ, तो इस अप्लाई नाउ पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद जो है ऑनलाइन ही जो है आप लोगों को ये फॉर्म जो है पूरा भर लेना है, पूरी बात सुननी है, अंत तक सुननी है, अधूरा जो है सुन के जो है आप वीडियो बंद कर देते हैं और फिर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इसको जो है ऑनलाइन भर लेंगे, ठीक है। सबमिट योर एप्लीकेशन, उसके बाद क्या करना है, इसका प्रिंट आउट निकालना है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है पूरा भर के आप लोगों को इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। फिर यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन द स्कूल वेबसाइट, ये स्कूल वेबसाइट है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको मैंने आपको दिखा दिया, आपने उसको फिल कर लिया, फिल करने के बाद आपने प्रिंट आउट भी निकाल लिया। फिर जो है रिसेंट फोटोग्राफ आपकी है उस पर आप लगा लें, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसके साथ साथ जो है अटेस्ट कर लें, फोटो कॉपी, जितने भी जो है 10th के बाद की मार्कशीट हैं, डिप्लोमा डिग्री है तो उनके साथ अटेस्ट कर लें, एक्सपीरियंस अगर है तो वो भी आप लगा लें। और विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर आप लोगों को भेजना है, किस एड्रेस पर, ये एड्रेस है द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल, चास चास चंदन क्यारी रोड, चास बोकारो, और ये पिन कोड नंबर है, ठीक है। और ये चास बोकारो ये कहाँ है, झारखंड राज्य में है। और साथ में स्कूल के नाम का एक डिमांड ड्राफ्ट भी जो है लगाना होगा, बैंक में जाकर आप लोगों को 300 रुपये का आप जो है वहाँ पर बोलेंगे डिमांड ड्राफ्ट बना दो इस स्कूल के नाम का, दिल्ली पब्लिक स्कूल चास, इसके नाम का आप डिमांड ड्राफ्ट बना दो 300 रुपये का, और आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो हैं इकट्ठा करके और पोस्ट कर देनी है इस एड्रेस पर। मेंशन नेम एंड पोस्ट ऑन द एनवलप, लिफाफे के ऊपर जो है अपना नाम और पोस्ट का नाम जो है वो जरूर लिखना है। लास्ट में मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को, और इंटरव्यू के लिए आप लोगों को कॉल आएगा या ईमेल आएगा, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोग फिल करेंगे, फोन नंबर या ईमेल एड्रेस, तो उसी के द्वारा आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, मेन वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी, गूगल पर जाकर मेन वेबसाइट पर आना है, ये जो करियर है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही ये पेज ओपन होगा, नीचे लिखा एडवर्टीजमेंट, इसे ओपन करके देखना है और सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। अगर आप यहाँ इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ मैंने आपको दिखाई दिए हैं। अप्लाई नाउ जो है करना है आपको, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करके और आपके सामने ये जो है फॉर्म आ जाएगा, इसको आपको भरना है, ऑनलाइन भरना है, मोबाइल में भर सकते हैं, लैपटॉप पे भर सकते हैं, कंप्यूटर पे भर सकते हैं। भरने के बाद जो है आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है बैंक में जाके 300 रुपये का, और उसको दिए गए एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट और फोटो के साथ सेंड कर देना है 7 दिन के अंदर। यानी आज ये वीडियो जो है वो डाला जा रहा है, तो आज के बाद जो 6 दिन होंगे उसके अंदर आप लोग डाल दें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।